मेरे पास तो काफी सारे ट्वीट्स हैं। अब हम उन सबके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। व्यक्ति जिसके अगेंस्ट पहले FIR हुआ है वो शायद अभी पता चल रहा है कि पाकिस्तान से है। हम एक पक्ष की बात सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष में क्या हुआ क्या नहीं। तो वो लड़की ने भी बहुत सहा है और इन लॉज से भी रिक्वेस्ट है कि मीडिया में इस तरह की बातें ना करें। उसने पूरी जिंदगी जीनी है। अभी FIR तो हो गया है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग उसके बाद भी ट्वीट करते जा रहे हैं और मेरे पास तो काफी सारे ट्वीट्स हैं। अब हम उन सबके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि इन सब के जिन्होंने भी ये सोशल मीडिया पे लिखा है कुछ ना कुछ। ये जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट पहले FIR हुआ है वो शायद अभी पता चल रहा है कि पाकिस्तान से है। तो अगर वो पाकिस्तान से है तो दो कंट्रीज के बीच की बात होगी कि वो बाकी लेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात करेंगे और जैसे भी होगा। अभी इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है तो आई विल नॉट लाइक टू स्पीक कि कौन है क्या है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो नोन हैंडल से किया और इंडियन लोगों ने, उनके अगेंस्ट भी FIR होगा। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं खुद आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूं, मुझे पता है कि कैसे सहा जाता है, कैसे आर्मी वाइफ सहती है अलग रहकर। और उसके अगेंस्ट अगर इस तरह की बातें होंगी तो आई विल नॉट टेक इट लाइटली। मैम, क्या आपकी फैमिली से, उनकी फैमिली से या जो वाइफ है उनकी, उनसे बात हुई है कुछ? नहीं हुई है, लेकिन पुलिस से शायद उनकी बात हुई है और उन्होंने बताया कि इतने लोग कर रहे हैं तो पुलिस ने ही हमसे कनेक्ट भी किया है। इसीलिए पुलिस भी सीरियसली इस पे काम कर रही है और मैं इस पे डे टू डे इसकी प्रोग्रेस पूछ रही हूँ। जिस दिन ये हुआ था मेरा तो ये था, अगर वो आदमी पता चल जाता तो मैं खुद पर्सनली जाती पुलिस के साथ उसे अरेस्ट कराने, लेकिन अभी पता नहीं चला। और मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान से, उसके हैंडल चेंज होते जा रहे हैं बार बार, तो देखते हैं कहाँ पे है क्या है। लेकिन जितनों ने ये करा है और ये इस तरह के ट्वीट करे हैं सभी को अरेस्ट होना चाहिए। जी मैम, इसके साथ कॉन्ट्रोवर्सी भी हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर, जो फैमिली इन लॉज हैं जो बात कर रहे हैं अपने लोगों को लेकर कि वो सारा सामान लेकर चली गई, हमें नहीं दिया सामान या हमने देखा भी नहीं, ये इस चीज को लेकर क्या कहेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, देखने को मिल रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, ये है तो फैमिली फ्यूड है, मेरे को नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट। हम एक पक्ष की बात सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष में क्या हुआ क्या नहीं, तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। फिर भी मुझे लगता है कि फैमिलीज को भी रिस्ट्रेन इस टाइम रखना चाहिए, क्योंकि वो लड़की ने भी बहुत सहा है और दोनों तरफ की मैं फैमिलीज को कहूंगी रिस्ट्रेन रखें। और मेरे ख्याल से जो डॉटर इन लॉ है उन्होंने तो बात नहीं किया मीडिया में, लेकिन इन लॉज से भी रिक्वेस्ट है कि मीडिया में इस तरह की बातें ना करें। उसने पूरी जिंदगी जीनी है अभी।